हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ निज़िम इज़ेकेल की पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले पोयम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पोइट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, फिर चलेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ, यानी पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। और लाइन बाय लाइन समझते हुए जो भी पोएटिक डिवाइसेस आएंगी उन्हें भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो आपको उसका आंसर आता हो। लेकिन आपको इस वीडियो पर ध्यान देना होगा, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना होगा, तभी आपकी ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो क्लियर होगी। चलिए समझते हैं सबसे पहले पोएम के बारे में। पोएम को लिखा है निज़िम इज़ेकेल ने। ये इंडियन जोइस पोइट है, एक्टर हैं और आर्ट क्रिटिक भी रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं ये इंडिया की, अगर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी हिस्ट्री की बात करते हैं तो। अब जान लेते हैं कि पोएम किस तरह से लिखी गई है। तो पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, किसी भी तरीके का कोई भी स्पेसिफिक राइम स्कीम जो है वो फॉलो नहीं किया गया है। पोएम की थीम की बात करेंगे। पोएम का थीम है सुपरस्टिशन, रूरल बिलीफ एंड रूरल कस्टम, एज वेल एज कॉमन ह्यूमैनिटी यू कैन से। मैसेज, पोएम एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज कन्वे करती है, मदरली लव। ये जब आप पोएम पढ़ेंगे ना तो पोएम के लास्ट में 2 से 3 लाइन आएंगी जिसे पढ़ते ही आपको खुद अपनी मदर याद आ जाएगी, क्योंकि मदर जो है बहुत ही लवली फिगर होती है, बहुत ही प्यारा सा पर्सन होता है जो हमारी लाइफ में होता है, जो हमारे लिए सिर्फ विश मांगता है, कभी भी वो हमारे लिए बुरा नहीं चाहता। मतलब माँ एक ऐसी चीज़ होती है, तो यही फीलिंग जो है वो ये पोएम भी आपको देने वाली है लास्ट के 2-3 लाइन्स के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर आपको सिचुएशन दिखाई देगी एक माँ की, लेकिन लास्ट में वो अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही है, तो बहुत प्यारी सी टचिंग सी पोएम है। बस लास्ट तक वीडियो पे मेरे साथ बने रहिए। लेकिन पहले हम इस पोएम को लिखने वाले राइटर को जान लेते हैं, निज़िम इज़ेकेल। निज़िम इज़ेकेल का जन्म 1924 में हुआ, इनकी डेथ 2004 में हुई। तो ये इनका लाइफ स्पेन रहा है। मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री जो ली, या लिटरेचर की आप कह सकते हैं कि बैचलर डिग्री जो कंप्लीट की इन्होंने, वो विल्सन कॉलेज से की। उसके बाद फिलोसफी पढ़ने के लिए ये लंदन चले गए। बिल्कुल, पास्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री की बात करते हैं तो फाउंडेशनल फिगर भी आप इसे कह सकते हैं। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1983 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है साहित्य के लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है अपने आप में। 1983 में मिला, वो भी लेटर डे साम्स के लिए। हियर पी एंड एल इज साइलेंट, जब अपन इसे प्रोनंशिएट करते हैं ना तो इसे साम बोलते हैं। इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, साथ के साथ बहुत बड़ा अवार्ड है पद्मश्री, वो भी इन्हें मिला 1988 में। ये एक इंडियन राइटर हैं जो इंग्लिश में लिखा करते थे, यानी इनके जो थीम होते थे ना वो होते थे इंडियन। जैसे आज आप जब ये पोएम पढ़ेंगे तो अब आपको पता लगेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे ही आसपास की कोई घटना है ये। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी पोएम। चलिए लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। आई, अब देखिए यहाँ ना पोइट जो है वो अपनी खुद की कोई बात हमें बताना चाह रहा है। एक्चुअली ये एक नरेटिव पोएम है, यहाँ ना एक स्टोरी सी आपको दिखाई देगी, स्टोरी सी एक समझ में आएगी, ऐसे लगेगा जैसे कोई घटना आपके साथ में शेयर की जा रही है पोइट के थ्रू। तो यहाँ वो आई बता रहे, आप कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में शायद ऐसा कुछ घटा होगा जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। वो कहते हैं, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। एक रात वो मुझे याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया था या डंक मार दिया था। स्टंक का मतलब होता है बीटन बाय अ एनिमल। ओके, 10 आवर्स ऑफ स्टडी, स्टडी का मतलब होता है लगातार, मतलब कॉन्स्टेंट, बिना रुके। रेन, बारिश हो रही थी, 10 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी। और 10 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो जो इस तरीके के जो जीव होते हैं, इस तरह के जो कीड़े होते हैं, या आप कह सकते हैं इस तरीके के जो बिच्छू या इस कोई भी ऐसा जानवर जो छुप के रहता है कहीं ना कहीं, वो बहुत तेज़ बारिश, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो भी अपने छुपी हुई जगह से निकल कर बाहर आ जाता है, पानी भर जाता है उनके बिल वगैरह में भी, तो वो बाहर निकल लेते हैं। तो कह रहे कि 10 घंटों की लगातार बारिश के बाद में वो निकल कर बाहर आ गया। टू क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है ऐसे चलना, कैसे, हैंड्स और नी की हेल्प लेके, घुड़लिए चलते हैं ना जैसे, ऐसे रेंग कर चलना,
बीनीथ अ सेक ऑफ राइस. और ऐसे रेंगता हुआ वो कहाँ चला गया, वो चावल के बोरे के नीचे चला गया. कि एक बिच्छू आया, उसने मेरी माँ को डंक मारा और वो बिच्छू कहीं ना कहीं से निकल कर आया था क्योंकि 10 घंटे की लगातार बारिश हो रही थी. वो आया और माँ को डंक मारा और उसके बाद में रेंगता हुआ चला गया चावल के बोरे के नीचे. ठीक है, अब हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, ये आप कह सकते हैं कि पोइटिक डिवाइसेस. यहाँ नाइट वर्ड जो यूज़ किया है, यहाँ देखिए ये नाइट वर्ड जो यूज़ किया है, इसे यूज़ किया है एक्चुअली हार्डशिप के लिए, डेंजर के लिए. क्योंकि नाइट होते हैं तो अंधेरा होता है और अंधेरा जो है वो सिंबल या तो सैडनेस का होता है या फिर डेंजर का होता है. क्योंकि कोई भी घटना जब घटती है हाँ तो हमें क्या कर देती है, परेशान कर देती है, हमें दुखी कर देती है. और नाइट इज़ द सिंबल ऑफ सैडनेस और यू कैन से डिप्रेशन, यू कैन से डेंजर. तो हेयर नाइट जो वर्ड यूज़ हुआ है वो डेंजर के लिए यूज़ हुआ है. तो ये हो गया मेटाफर. एक चीज़ और है पर्सोनिफिकेशन. हाउ पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना आपको सेम ह्यूमन वाली क्वालिटी दिखाई देगी, शेल्टर वाली, कि जैसे छुपकर रहना, कहीं पर अपनी जगह बनाकर रहना. ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान की होती हैं. और जब ह्यूमन क्वालिटी, यू कैन से दैट लिविंग क्वालिटी, लिविंग बीइंग की जो क्वालिटी होती है ना, वो जब नॉन लिविंग के अंदर दिखाई जाए तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार. ठीक है, तो यह मानवीकरण अलंकार भी है. कहाँ पे देखिए, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन मोटिवेशंस लाइक सीकिंग शेल्टर टू द स्कॉर्पियन एट्स डेप्थ एंड इंटरव्यू. क्योंकि वो देखो किसके नीचे जा रहा है, चावल के बोरे के नीचे, वहाँ पे तो शेल्टर लेने के लिए ही जा रहा है, छुपने के लिए ही जा रहा है. तो ये जो हरकत है ना ये किसकी होती है, लिविंग थिंग्स की होती है. और इसे तो इतनी समझ नहीं है, ये वैसे तो ये जानवर है, इसमें भी जान है, लेकिन इसे इंसान जैसी समझ नहीं है. और इसका कंपैरिजन जो है ना इंसान की समझ के साथ में किया गया है. तो इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन आया है कि जाता हूँ जल्दी से जाके छुप जाता हूँ, नहीं तो कहीं कोई मुझे मार ना दे. क्लियर, चलिए आगे चलते हैं. पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन. ये अंधेरे में ना इस तरीके से लगता है, इस तरह से डायबॉलिक, डायबॉलिक का मतलब था ड्रैगन जैसा, डेविल जैसा, मतलब दानव होता है ना जो उसके जैसा दिखाई देता है अंधेरे के अंदर. एकदम अंधेरा होता है और एकदम से मतलब जैसे डंक मार के चला जाता है और उसके बाद अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है. और इसकी टेल ऐसे लगती है कि जिस तरीके से कोई राक्षस अभी अभी इधर से निकला हो, यानी एकदम बोरे के नीचे घुसने वाला था, सिर्फ पूंछ दिखाई देगी. और वो पूंछ कैसी लगी, डायबॉलिक. ओके चलिए आगे चलते हैं. आगे देखिए कौन आएगा, द पीजेंट्स. पीजेंट्स होते हैं किसान. ये कहीं गांव की घटना है, जहाँ पे ये कहानी हुई है गांव की घटना है. वहाँ पर चारों तरफ किसान रहते हैं. तो किसान क्या हुआ, आ गए एकदम से, जैसे शोर मचा होगा कि बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, एकदम से शोर मचा. तो जो आसपास गांव में जो किसान लोग रहते थे, यानी उनके मोहल्ले में जो भी रहते थे वो सब किसान थे, वो सब के सब आ गए. और वो भी कैसे आ गए, स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, ऐसे आ गए जिस तरीके से फ्लाइज जो होती है, मक्खियाँ जो होती है, उनका झुंड आ गया हो. एकदम से आ गए सारे के सारे गाँव में. आज भी लगभग ऐसा होता है, पहले तो होता ही था, लेकिन आज भी गाँव में तो इस तरह की स्थिति है कि अगर किसी भी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से किसी को पता लग जाता है तो तुरंत हेल्प के लिए भाग लेते हैं. तो ये कह रहे हैं, पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बर्स्ड. जैसे फ्लाइज बर्स्ड करती है ना, आवाज़ करती है ऐसे, तो ये धीरे 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 बड़बड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं. अब बात क्या कर रहे हैं, द नेम ऑफ गॉड 100 times, कम से कम सैकड़ों बार तक वो भगवान का नाम लेते हैं. क्योंकि उनको ये सुन गया कहीं ना कहीं कि बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया. और बिच्छू बहुत जहरीला होता है. अब जहरीले किसी कीट ने, किसी जीव ने काटा है, तो बेचारे गांव के किसान लोग हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं. क्या कह रहे हैं, टू पैरालाइज द इविल वन. पैरालाइज का मतलब होता है उसको वीक कर दो. यानी जो बिच्छू है वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो बिच्छू मिल जाए, वो बिच्छू मर जाए, या बिच्छू जो है वो कहीं गति ना करे, कहीं चले नहीं. क्योंकि ये माना गया है कि बिच्छू जब डंक मार लेता है और वो जब मूवमेंट करता है ना, तो वो जैसे जैसे मूवमेंट करता है ना, वैसे वैसे कहते हैं बॉडी में जहर फैलता जाता है. तो इन लोगों की मान्यता है. तो ये क्या भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान वो कहीं पर ठहर जाए, कहीं रुक जाए, वो मूवमेंट नहीं करे. अगर वो मूवमेंट करेगा तो जिसको काटा है उसके शरीर में भी जहर का मूवमेंट होगा, ऐसी धारणा है. चलिए अब पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन है कि ह्यूमन क्वालिटी दिखाई गई है. ह्यूमन क्वालिटी क्या दिखाई गई है कि यहाँ पे रिस्क लिया है उसने वापस से रेन के अंदर जाने का. ही रिस्क द रेन अगेन. ही कौन है,
स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन ने रिस्क लिया कि वो दोबारा से भाग जाए, क्योंकि उसे बचना था, डार्क रूम के अंदर जाकर उसे छुपना था कहीं ना कहीं। ये जो क्वालिटी है ना रिस्क लेने की, ये ह्यूमन बीइंग में होती है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, द पीजेंट केम लाइक, ये जो लाइक वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो भी पीजेंट्स के लिए, यहाँ तुलना करने के लिए यूज़ हुआ है। किनके साथ? फ्लाइज के साथ तुलना की है पीजेंट्स की। तो ये हो गया सिमली, यानी उपमा अलंकार। चलिए आगे चलते हैं हम, विद कैंडल्स। अब ये जो पीजेंट्स आए हैं, जो किसान आए हैं, उनके हाथ में क्या है? कैंडल्स हैं, लैंटर्न्स हैं। आपने देखा होगा अभी लेकर आए थे ना ये अपने हाथ में कैंडल्स और लैंटर्न्स, मतलब लालटेन ली हुई है हाथ में, मोमबत्ती ली हुई है। थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बैग्ड वॉल्स, दे सर्च्ड फॉर हिम। हिम यानी स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे हैं। और दीवारें जो हैं वो बनी हुई हैं मिट्टी की, मतलब गांव की ही घटना है सारी की सारी, वही वहाँ का सिनेरियो जो है वो हमारे सामने आ रहा है, गांव की घटना है। दीवारें जो है वो मिट्टी की बनी हुई है, वहाँ पे सब लोग ढूंढ रहे हैं उस बिच्छू को। ही वॉज नॉट फाउंड, और वो नहीं मिला। ही मीन्स स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, अब सब लोग मतलब बुड़बुड़ा रहे हैं अपनी जीभ में। वैसे तो क्लिक करने का मतलब होता है कि किसी तरीके का कोई एकदम से आवाज़ कर देना, किसी चीज़ को लेकर एकदम से साउंड कर देना, टंग के साथ में कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हैं वो। विथ एवरी मोमेंट, अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि हर एक मोमेंट के साथ, जैसे जैसे बिच्छू मोमेंट करेगा ना, स्कॉर्पियन मोमेंट करेगा, वैसे वैसे पॉइजन जो है वो भी मदर के ब्लड में मूव करेगा। ये ऐसी धारणा है वहाँ के गाँव वालों की, वहाँ के किसानों की। अब जैसा मैंने आपको बताया कि थीम है इस पोएम का कि सुपरस्टिशन, ये एक धारणा है, आप कह सकते हैं एक मान्यता है, मानी जाती है कि जैसे बिच्छू ने डंक मारा और डंक मार के वो जितना ज़्यादा आगे चलेगा, जितना ज़्यादा रेंगेगा, उतना ज़्यादा उसका जो जहर है वो जिसको उसने डंक मारा है उसकी बॉडी के अंदर भी मूव करेगा। तो ये वो ऐसा बोलते हैं। अब पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं, सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक्चुअली सिम्बोलिज्म किस तरीके से यूज़ किया गया कि स्कॉर्पियन जो है ना, उस स्कॉर्पियन को जायंट बताया गया है। देखो आप, जायंट का मतलब दैत्य होता है, बहुत बड़ा। वैसे तो स्कॉर्पियन जो है वो इतना बड़ा नहीं होता साइज़ में, लेकिन वो इतना खतरनाक काम उसने किया है डंक मारने का, उसकी जो परछाई है वो किसानों को ऐसे लगती है कि जैसे कोई जायंट हो, कोई दैत्य हो। तो ये हो गया सिम्बोलिज्म। अब देखिए, मे ही सिट स्टिल, अब पीजेंट्स क्या चाहते हैं, ये दे सेड का मतलब पीजेंट्स, बहुत सारे जो किसान हैं उनके लिए यूज़ हुआ है दे वर्ड। वो कहते हैं मे ही सिट स्टिल, भगवान से प्रार्थना करते हैं मे। यहाँ भी देखिए मे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वो, बार बार यही कह रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए कि वो कहीं बैठ जाए आराम से, क्योंकि जैसे जैसे वो हिलेगा ना, जैसे जैसे वो मूव करेगा, वैसे वैसे बॉडी में, ब्लड में पॉइजन भी मूव करेगा। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, अब एक बात तो उन्होंने कह दी कि जैसे जैसे वो हिलेगा वैसे वैसे पॉइजन भी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मूव करेगा। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म के कोई पाप कटे हों, जैसे आपने भी कई बार चोट लग जाती है, थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो कह नहीं देते हैं कि भाई चलो बचाव हो गया, हो सकता है कोई बहुत बड़ी घटना जो है वो होने से रह गई हो, थोड़ी सी लग के रह गई, तो वो वाली चीज़ है। इसी तरीके से वो किसान भी कह रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारे पुराने जन्म के जो पाप हैं वो कट गए हों, बी बर्नड अवे टुनाइट, आज रात तुम्हारे जो पिछले जो जन्म के कर्म हैं, जो पाप हैं, शायद हो सकता है वो आज जल गए हों, क्योंकि तुम्हें एक बिच्छू ने काट खाया है। ऐसा कौन कहते हैं? पीजेंट्स कहते हैं। मे योर सफरिंग डिक्रीज, हो सकता है तुम्हारे दुख कम हो रहे हों। अब देखो, सिर्फ एक अटकलें, जैसे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं ना, और यहाँ भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई तो कह रहा है कि जैसे जैसे बिच्छू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी के अंदर जहर भी बढ़ता जाएगा, कुछ कह रहे हैं अरे बिच्छू ने काटा है, हो सकता है कि पुराने जन्म के कोई ना कोई कर्म जो है वो कट रहे हों। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। द मिस फॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दिस सेड, वो कहते हैं कि हो सकता है आने वाले जन्म के अंदर, जो आप अगला जन्म लेंगे उसके अंदर आपका दुर्भाग्य जो है वो आप पर हावी ना हो, इसलिए आपको बिच्छू ने काटा हो। मे द सम ऑफ ऑल इविल्स बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, कि सारे के सारे जितनी भी बुराइयाँ थी, जो भी आपके साथ बुरा हो रहा था, हो सकता है वो अब कम हो क्योंकि बिच्छू ने आपको काटा, शायद भगवान ने आपको इतना सा कष्ट देकर बहुत सारे कष्ट जो है वो आपके ख़त्म किए हों। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डायमेंस्ड बाय योर पेन, डायमिनिश्ड बाय योर पेन, सॉरी, डायमिनिश्ड का मतलब होता है रिड्यूस होना,
अब ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना, हो सकता है अच्छे के लिए हुई हो, आपका जो ये दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा सुनकर तकलीफ़ जो है थोड़ी कम हो जाती है। जब अपन ये कहते हैं ना कि चोट लगी है, दर्द हो रहा है, क्या पता कुछ बड़ा होने वाला हो, थोड़े में ही होके रह गया हो, तो इंसान को थोड़ी तसल्ली मिलती है। और मदर को है ना ये सुनकर थोड़ी तसल्ली मिल रही है, उनको लग रहा है जैसे उनका पेन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब हम पोएटिक डिवाइसेस इसकी देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है बिल्कुल एकदम डिफरेंट, एकदम अलग। जैसे देखिए, सफरिंग एंड प्योरिफिकेशन, दो बातें एक साथ कर ली, अलग अलग बातें एक ही बार में कर ली, कि सफरिंग एक तो डिक्रीज हो रही है, उसको काट लिया इसलिए, और क्या पता हो सकता है कि प्योरिफिकेशन हो रहा हो। भाई बिच्छू का काटना दुख देना ही होता है, दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा, बिच्छू ने काटा, और बिच्छू का काटना आपकी आत्मा को प्योरीफाई कर रहा है। एक ही बार में दो बातें बिल्कुल अलग अलग एक ही बार में बोली जा रही है, दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोजिशन। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा होता है ये रिपीटेशन। वेरी फर्स्ट वर्ड जो होता है ना लाइन का, वो बार बार जो रिपीट होता है सेम। जैसे देखिए, मैं आपको बताने के लिए एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे हर लाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा मे 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 मे, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अब जैसे टू लाइन्स ही लेना आप, बाकी के नहीं, टू लाइन्स ले लीजिए एक साथ, ये टू लाइन्स आई, इनके अंदर वेरी फर्स्ट जो हमारा वर्ड आया है ये मे है, ये भी मे है, ये होता है एनाफोरा, मीन्स रिपीटिंग मे। वैसे रिपीटेशन एंड एनाफोरा बोथ आर सेम सेम, बट थोड़ा सा एक स्लाइट सा डिफरेंस है, जिसे रिपीटेशन जब आएगा जब हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश। अब फिर से वही बात करें कि हो सकता है कि जो आपका ये जो आपको काटा है बिच्छू ने, ये जो जहर आपके अंदर गया है, हो सकता है ये आपके शुद्धिकरण के लिए हो, आपके शरीर को शुद्ध कर रहा हो। और वो भी किस चीज़ की शुद्धिकरण चल रही है, डिज़ायर्स की शुद्धिकरण। हो सकता है आपकी जो इच्छाएं हैं उनका शुद्धिकरण हो रहा है। कई बार दिमाग में विचारों से कई बार हम गलत सोच लेते हैं, गलत किसी के बारे में बोल देते हैं, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, उनका प्योरिफिकेशन हो रहा है। वो ये कहना चाह रहे हैं, दे सेट, वो बोलते हैं, एंड दे सेट अराउंड, ऐसा कहकर वो चारों तरफ बैठ जाते हैं। मीन्स यहाँ कहीं उनकी मदर और फादर बैठे और वो चारों तरफ ऐसे 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 झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे सांत्वना देते हुए। मीन्स ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं कि ये इन सब चीज़ों से हो सकता है आपका प्योरिफिकेशन हो रहा हो। ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, यानी मेरी माँ तो बीच में बैठी थी और वो चारों तरफ ऐसे 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 करके चारों तरफ बैठ गए हैं मेरी माँ के इर्द गिर्द। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। अब सभी के चेहरों पे ना एक चीज देखने को मिल रहा है, वो क्या है, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे उनको बहुत समझ है और समझ की वजह से उनके चेहरे पे शांति दिखाई दे रही है। मोर कैंडल्स मोर लैंटर्न्स मोर नेबर्स, मीन्स बहुत ज़्यादा मोमबत्तियाँ हैं, बहुत सारे लैंटर्न्स हैं और बहुत सारे नेबर्स आए हुए हैं। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और रेन जो है वो एंडलेस मीन्स कंटिन्यूसली हो रही है, रेनिंग जो है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन ए मैच, लेकिन मेरी मदर की हालत कैसी है, मेरी मदर बेचारी ग्रोनिंग कर रही है। ग्रोनिंग मीन्स टू मेक अ डीप सैड साउंड बिकॉज यू आर इन पेन, मीन्स जब पेन में आप होते हैं तो डीप सैड साउंड जो निकलता है दैट इज कॉल्ड ग्रोनिंग ऑन ए मैट। मैट होती है दरी या चटाई जिसके ऊपर मेरी मदर बैठी हुई है। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस आई हैं। फर्स्ट इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म क्या है कि जो पॉइजन है ना, वो पॉइजन यहाँ पे सिंबल है पेन का भी और प्योरिफिकेशन का भी। ये तो आप पूरी इस पोएम के अंदर लिख सकते हैं, पूरी पोएम में, जहाँ से स्कॉर्पियन ने मदर को बाइट किया ना, वहाँ से लेके और लास्ट तक आप लिख सकते हैं। सिर्फ लास्ट में जो मदर प्रे कर रही है, उन दो तीन लाइन में आपको नहीं लिखना है, बाकी कोई भी लाइन आ जाए जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो सिम्बोलिज्म तो आप ज़रूर लिखेंगे कि जो स्कॉर्पियन का पॉइजन है वो सिंबल है बोथ पेन और प्योरिफिकेशन दोनों का। ओके, सेकंड रिपीटेशन। अभी एनाफोरा आया था, अभी रिपीटेशन है, बहुत सेम, बिल्कुल थोड़े थोड़े मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है देख लीजिए। द रिपीटेशन ऑफ मोर। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे स्टार्टिंग की जो लाइन में जो स्टार्टिंग वर्ड्स थे ना वो रिपीट हो रहे थे, मे 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 ऐसे आ रहा था, ठीक है, वो तो था एनाफोरा। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है मोर वर्ड का। अब जैसे देखो इस लाइन के अंदर हो रहा है, एक ही लाइन के अंदर जब वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो होता है ये आपका रिपीटेशन। देखिए एक लाइन में आएगा मोर कैंडल्स मोर लैंटर्न्स मोर नेबर्स मोर इंसेक्ट्स, तो ये हो गया रिपीटेशन, यानी शब्द आपका रिपीट हुआ है मोर, तो यहाँ रिपीटेशन है। क्लियर। चलिए, माई फादर
अब अपने फादर की बताएंगे कि मेरे फादर भी वहीं पे बैठे थे जहाँ पे मेरी मदर बैठी हुई थी, सारे विलेजर्स बैठे हुए थे, मेरे फादर भी वहीं बैठे हुए थे। मेरे फादर क्या हैं? स्केप्टिक हैं। एक स्केप्टिक यानी संशयवादी, ए पर्सन हु डाउट्स और क्वेश्चंस द ट्रुथ ऑफ समथिंग। मीन जब संशय करता है कोई, जल्दी सी किसी बात पे विश्वास नहीं करता, हर एक चीज़ के ऊपर संशय करके चलता है। रैशनलिस्ट, इसका मतलब था सेंसिबल, मीन्स बहुत सोच समझ के कोई चीज़ कोई लॉजिक के साथ बताने वाला। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, उन्होंने भी पूरी कोशिश कर ली अपनी तरफ से, मीन्स बिच्छू को कर्स भी दे लिया, ब्लेसिंग्स भी दे ली, सारी कोशिश कर ली। कुछ पाउडर वो लेकर आए, कुछ मिक्सचर्स उन्होंने तैयार किया, कुछ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ उन्होंने लगाई माँ के, हाइब्रिड जड़ी बूटियों को मिक्स करके मिक्सचर बना के वो लगाया। ही इवन पोर अ लिटिल पैराफिन, इवन उन्होंने क्या किया, मदर के पैर के ऊपर कुछ पैराफिन भी डाला। पैराफिन का मतलब होता है वैक्स यानी मोम, आप कह सकते हैं। कुछ मोम भी डाला, मैं देख रहा था। अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट, यानी जहाँ पर जिस अंगूठे पर काट खाया था ना, पैर का अंगूठा होता है टो, जिस अंगूठे के ऊपर काट खाया था उस बिच्छू ने, उसके ऊपर डाला उन्होंने मोम। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पुट अ मैच टू इट, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर थोड़ी सी माचिस की तिल्ली जो है वो दिखाई, यानी उसको जलाने का कोशिश किया। आई वॉच द फ्लेम, मैं फ्लेम को देख रहा था। फीडिंग ऑन माई मदर, यानी मेरी मदर के टो के आसपास जो है वो आग जो है वो मुझे दिखाई दे रही थी। फिर उसने देखा, आई वॉच द होली मैन, एक इंसान आया, एक आदमी जिसे आप साधु संत पंडित पुजारी कह सकते हैं, वो आया, उसने परफॉर्म किए कुछ राइट्स यानी कुछ रिवाज रीति कुछ किया उसने, जैसे कोई मंत्र मुंत्र बोलना जो होता है वो किया। टू टेम, टेम का मतलब होता है शांत, पॉइजन यानी जहर, जहर को शरीर में शांत करने के लिए बहुत सारे मंत्र बोले। देखिए जैसे इंचांटेशन होता है, इंचांटेशन का मतलब चांटिंग ऑफ होली वर्ड्स, मतलब कुछ मंत्र मुंत्र बोले। आफ्टर 20 आवर्स, अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, लगभग 20 घंटे बीत गए, 20 घंटों के बाद में इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, उसके बाद में ना ये जो डंक जो उसने मारा था वो ख़त्म हुआ। 20 घंटे लगे इन सारी चीज़ों के अंदर। फिर क्या हुआ, माय मदर ओनली सेड, लेकिन इन 20 आवर्स के बाद में मेरी माँ ने सिर्फ एक ही चीज़ कही, वो क्या, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। माँ है आखिर यही बोलेगी कि शुक्र है भगवान का, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का कि बिच्छू ने मुझे चुना, मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। मदर है और मदरली फीलिंग है तो हर एक माँ यही बोलेगी। तो देखिए इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है, आयरनी आ जाती है कि मदर का ग्रेटिट्यूड देखिए, भगवान को धन्यवाद कर रही है जबकि कितने पेन से गुजरी है वो, तो ये हो गया यहाँ पर आयरनी। तो ये थी हमारी पोम। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।